छोटे ठाकुर मालक से बात करके मन का भार उतर गया। पहली बार ऐसा लगा जैसे वो हमारी खातिर भी सोचते हैं। ए मोड़े, हम 2 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कहाँ थे तुम? जी वो हम किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। जरूरी काम? तुम इस हवेली की मालकिन नहीं हो, जो जब जी में आया बिना किसी को बताए बाहर निकल गई। वो झूठे बर्तन पड़े ना, वो सब साफ कर दो। क्या किया तुमने? हम तो तुमसे पानी मांगने आए थे और तुमने तो हमारे कपड़े ही गंदे कर दिए। जी वो आप अचानक इस तरह से, माफ कर दीजिए। एक शर्त पर, साफ कर दो। लानत है गंदगी के मुंह पर। साफ सुथरा मन और साफ सुथरा तन। अब जल्दी से साफ कर दो वरना रीवा से शिकायत लगा देंगे तुम्हारे। साबुन घसने से सिर्फ कपड़े धुलते हैं मालक, चरित्र नहीं। निरंजन, जी वो बहुत प्यास लगी थी तो सोचा किसी को क्या तकलीफ दे, खुद ही पानी के पास आ गए। पी लिया पानी? जी अभी के लिए तो प्यास बुझ गई। आज तो दर्शन हो गए, मजा आ गया। अरे आदित्य कैसे हो? मैं ठीक हूं, आप कैसे? आदित्य एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा सौदा हुआ है वो उम्र भर का हुआ है या महीने 2 महीने की बात है? कौन सा सौदा? सुगनी के बारे में बात कर रहा। देखो जब तक निभाती है निभाओ, 20 लाख रुपए की पूरी वसूली के बाद हमारी और सरकार दे। देखो किसी दूसरे को नंबर में मत लगा देना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? आदित्य उनका अपमान कैसे कर सकते हो तुम?
हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे आदित्य, इतना गुस्सा क्यों? क्या है ये भैया, आप हमारे घर में हर किसी से क्यों लचते फिर रहे हैं? बुरी तरह फंसी है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। पर लानत है हमारे मुंह पर जो हम निकाल ना पाए। एक बार निकल गई ना, सारा दर्द निकल जाएगा, दांत का। और पता नहीं ये क्या काम कर रही होगी अब। ये चाय है या ठंडा शरबत? जी ठंडा, हम तो अभी बना कर लाए। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, हम बस बता रहे कि हम अभी बना कर लाए। हमारे यहाँ ऐसी चाय नौकर भी नहीं पीता, ले जाओ यहाँ से। हे भगवान, हद है, अपने ही घर में एक अच्छी चाय पीने के लिए तरस गए हैं हम, वरना हवेलियों में तो वर्दी पहने नौकरों की लाइन लगी रहती है। जब चाहे जो चाहे मांग लो, हाजिर हो जाता है 2 मिनट में। मगर एक हम है कि इनके जैसे नौकरों को झेलना पड़ रहा है हमें। भगवान, क्या होगा इस घर का पता नहीं। तो पता ही नहीं चला कि कब हम आपके रास्ते में आ गए। वो क्या है ना कि हमारे रहते खाने पीने की कोई चीज बर्बाद हो जाए, लानत है हमारे मुंह पर। एक काम करो, हमें दे दो चाय। अब इसमें संकोच कैसा, दे भी दो ना। हमारा रास्ता छोड़िए। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, हम विक्रम से बात कर आते हैं कि इस तरह की नौकरानियों की वजह से हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, और घर का माहौल बिगड़ रहा है सो अलग।
माफ करना, गलती से हमारा हाथ लग गया। नहीं, आप रहने दीजिए, हम करते हैं। तुम अब भी नाराज हो हमसे? कहीं नाराज होंगे, हम आपसे नाराज नहीं है, पर हम तो हो जाते हैं। कोई हमारे पे छोटा इल्जाम लगा था कि हम उसके पति को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो पगला जाते गुस्से से, आग लग जाती हमारे अंदर। बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, चिल्ला चिल्ला कर अपनी घुटन निकालते, जो भी हाथ में आता उसे तोड़ देते, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूर चले जाते, बहुत दूर। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया सुनने, क्यों? चली जाओ एक ऐसी जगह जहां तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सको। नहीं, भले ही आपकी नौकरानी बनकर ही सही, लेकिन हम वो कर्जा उतारेंगे, और तब तक हमारी मर्जी तो कम, हमारी मौत भी हमें आपसे दूर नहीं कर सकती। तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो हम आप उस वक्त बहुत परेशान थी ना, और परेशानी में इंसान का कहता है क्या करता है उसे खुद नहीं पता होता। ऐसे में हम आपकी बात का बुरा कैसे मान सकते हैं? नहीं, इतनी महान वजह नहीं हो सकती सुगनी। हम बताएं वजह? इंसान को बुरा तब लगता है जब उस पर लगाए गए आरोप झूठे हो, पर यहां तो सब कुछ सच है। सच है ना सुगनी? तुम हमारे पति से प्यार करती हो, या हमारा सवाल? बोलो ना सुगनी, किस चीज का दर्द हो रहा है, प्यार का? एक तो तुम बेवकूफ हो जैसे कोई बात समझ में नहीं आती, तुमसे बड़े बेवकूफ तो हम हैं जो कि तुम्हें यहां से जाने नहीं दे सकते। प्यार करने लगे हैं तुमसे। मां, मां, मामी जी अपने माँ को कहीं देखा क्या? शायद वो तुम्हारे मामा जी के पास गई है। इस हवेली के नौकरों की शिकायत करने। हम उनसे कह देते हैं कि तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। जी।
हाथ दिखाओ। वो हमसे गिलास गिर गया तो उसे साफ करने में एक टुकड़ा चुभ गया। झूठ बोल रही हो ना? ये सब मामी ने जानबूझकर तुम्हें परेशान करने के लिए किया है। नहीं नहीं ठाकुरानी देवी हमें काहे परेशान करेंगी। मालक आप यूं ही बेकार में परेशान हो रहे, हम ठीक हैं। अब हम चलते हैं, हमें मंदिर जाना है। पतंग उड़ाना और चेन चढ़ाना एक बार, पहले ऊपर चढ़ा के ढील दो और फिर चढ़ा के खींच। इससे बचाई ले आँखों ही आँखों में कर बातें। प्यारे इंसान थे ना, जादूगर भी जो तुम्हारे चेहरे पर इतने वक्त के बाद मुस्कुराहट लेकर आए, है ना?